हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम प्ले कर रहे हैं फ्री फायर, और फ्री फायर में आज हम प्ले कर रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड प्ले करने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैप है उसके अंदर हम प्ले करने वाले हैं, और काफ़ी तगड़ा लॉबी है ये, डायमंड 1 की या 2 की लॉबी है, तो काफ़ी तगड़ा प्ले होने वाला है। और काफ़ी दिनों से मैं गेम को भी नहीं प्ले कर रहा था, मतलब तुम समझ सकते हो 2 महीने से मैं गेम को ओपन ही नहीं किया था, क्योंकि भाई इसमें इतने सारे कैरेक्टर स्किल आ चुके हैं भाई। मतलब सोनिया आ चुका था, ड्रीमिट्री जो कैरेक्टर होता है वह काफ़ी मतलब परेशान करके रख दिया था, इसलिए सोचा कि चलो नया साल का जो मेरा लॉन्ग वीडियो होता है फर्स्ट वीडियो फ्री फायर के ऊपर ही डाला जाए तो काफ़ी मस्त लगेगा ना भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में। चलो मेरे को कोई गन मिल जाता है, ओके यहाँ पर मेरे को गन मिल चुका है, सामने से बंदा है, उसका हेडशॉट लगा, चलो बंदा एक नॉक हो चुका है, ओके पूरा फिनिश। अबे क्या हुआ भाई, एमो उठाना होगा, जस्ट वेट, मेरे को एमो उठाने लेने दो। चलो यहाँ पर कौन सा गन है, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर मेरे को M4 मिल चुका है, एक टिप्स वाला, काफ़ी मस्त होगा। अब उसको ख़त्म करना होगा, जो टीम जिसको मैंने नॉक किया था ना, उसको ख़त्म करना होगा पहले तो। भाई नीचे चला गया क्या वो बंदा, आई थिंक तो मेरे ख्याल से वो नीचे ही चला गया भाई, रिवाइव मत हो जाए पहले तो। ओके इसका टीममेट आ रहा है रिवाइव करने के लिए, अब इसको बताते हैं। अबे रिवाइव करने के लिए ये तो भाई स्टोर में से कुछ परचेस कर रहा था, रुको जस्ट वेट, इसको ख़त्म करना होगा, यहाँ पर बंदे का डैमेज पर। अबे मर जा भाई प्लीज़। ओके चलो यहाँ पर बंदा फाइनल नॉक हो चुका है, ख़त्म करना होगा जल्दी से, खत्म कर चुका है। ओके ये उस बंदे का भी किल मेरे को मिल चुका है। अब यहाँ पर मेरे को मेडिकेट मारना होगा, चलो यहाँ पर मेडिकेट, सबसे पहले मेरे को 2 मेडिकेट मार लेते हैं, एक यहाँ पर मेडिकेट, एक मेडिकेट से काम नहीं चलने वाला है भाई, काफी डैमेज कर दिया था दो ही बंदे ने मिलकर, एक ही बंदा डैमेज किया था मैं तो, आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ, मतलब फाइट हो रहा है बगल वाले घर में। चलो देखते हैं, यहाँ पर ट्रोगन उठा लेते हैं, ट्रोगन मस्त चलता है भाई पास से, यहाँ पर सामने, ओके सामने वाला घर में बंदा है, 2 बंदे हैं आई थिंक मेरे ख्याल से, डूट को उसको बताते हैं आने दो, थोड़ा क्लोज में आता है तो सही है भाई, वेट करते हैं थोड़ा, अगर सामने से आ रहा है अब मार देंगे इसको। चलिए यहाँ पर एक हेड सब लग चुका है भाई, अबे मर जा, चलो फाइनली अभी नॉक हो चुका है इसका टीममेट, देखो सामी को वहाँ पर जा रहा है भाई, सामी के वहाँ पर निकल चुका है, तो पहले इसको पहले ख़त्म करते हैं, देखो सामी को वहाँ पर घूम रहा था, चलो उसको भी ख़त्म करते हैं, लास्ट इसका टीममेट बचा है। अबे भाई मर जा भाई, उसने गुल्ली लगा लिया कोई बात नहीं, चलो इसको रस मार देते हैं, उसको ख़त्म करेंगे तो इसका भी किल मिल जाएगा मेरे को इजीली। चलो अबे यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं, AK-47 काफ़ी मज़, इसके पास मेरे पास स्किन है इसलिए मैं AK-47 लिया भाई। चलिए यहाँ पर सामने बंदा, अब देखो कैसे AK-47 से मारता हूँ। अबे भाई वो कार 98 चला रहा है, अबे अबे कोई इसको दूर से कोई इसको मार रहा है भाई, अबे लो मेरा किल चोरी कर लिया उसने, उसको नहीं छोड़ेंगे सामने, यही मेरा किल चोरी किया था ना, उसको बताते हैं इसको। चलो यहाँ पर वो भी नॉक हो चुका है फाइनली, चलो इसको भी ख़त्म कर दिए। अगर लूट की बात की है तो भाई लोगों के पास काफ़ी मस्त वाला लूट था, चलो ये इसके उसके पास क्या है भाई, चलो देख सकते हैं, उसके पास मेरा किल चोरी कर लिया था मैंने, तो यहाँ पर मेरा 5 किल हो जाता है, लेकिन उसने किल चोरी कर लिया तो कोई बात नहीं भाई, 3 ही किल अभी तो हुआ है, इसको ख़त्म करेंगे तो 4 किल, यहाँ पर 5 किल मेरा होता है, लेकिन इसने किल चोरी किया भाई, कोई बात नहीं। चलो इसके पास क्या था, इसके पास कुछ खास नहीं था भाई, यहाँ पर मैं साइलेंसर निकाल लेता हूँ, AK-47 का साइलेंसर बेकार चलता है भाई, अगर स्किन तुम्हारे पास है तो साइलेंसर मत लगाना भाई, पहले बता देता हूँ काफ़ी घटिया चलता है साइलेंसर के बाद। सामने वहाँ पर ग्लू लगाया, आई थिंक मेरे पास एक तो बंदा होना चाहिए वहाँ पर, हाँ भाई एक बंदा है, रुको जस्ट लूट कर रहा है भाई वहाँ पर, चलो तो यहाँ पर 2 गोली लगाई, अभी फाइनली ख़त्म हो चुका है भाई, 2 ही गोली पर बंदा मर गया, आई थिंक मेरे ख्याल से मतलब फाइट अभी जस्ट किया था और ये लूट कर रहा था, मेडिकेट भी नहीं मारा था उसने, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसके पास मेडिकेट था और यहाँ पर मेरे पास काफ़ी मस्त वाला लूट हो चुका है, मतलब अब मतलब कोई स्क्वाड आता है तो मैं इजिली उन लोगों को बात 1v4 कर सकता हूँ, क्लच कर सकता हूँ, इतना गारंटी बोल सकते हैं भाई, और काफ़ी दिनों के बाद गेम में खेल रहा हूँ तो मतलब ड्रैग अच्छा खासा हो रहा है भाई, नहीं तो पहले क्या होता था बार बार तुम मरते थे तो ड्रैग करने में भी प्रॉब्लम होता था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक लैंड माइन है, यहाँ पर लैंड माइन लगा देते हैं, कोई यहाँ पर ग्लू लूटने के लिए आएगा तो इजिली मर सकता है, चलो यहाँ पर लगा दिए, चलो इधर से निकलते हैं। ओके सामने को वहाँ पर बंदे है, रुको रुको वहाँ पर वो होता है ना वेल्डिंग मशीन, जितना नहीं वेल्डिंग मशीन ये भाई ये इसका नाम ही मतलब कुछ इसका नाम ही पता नहीं मेरे को, पूछ चुका हूँ भाई काफ़ी दिनों से गेम नहीं खेला था, वो काफ़ी डैमेज कर चुका हूँ लोग, 1 मिनट को यहाँ से मेरे को चांस है उसको ओपन कर चुका है लो, तो यहाँ पर सामने वाला घर पर जाते हैं, सामने वाला घर है उसके ऊपर से चढ़ के उनको ईजिली मार सकते हैं, नहीं तो इधर से तो वो घर के अंदर छुप जाएंगे, उसको पैक हो चुका है उसमें तो ढूंढ जाएंगे तो नहीं मार पाएंगे ना भाई, रुको बताते हैं यहाँ पर, चलो जल्दी से रुको यहाँ पर मेरे को लैंड माइन मिल चुका है, लैंड माइन यहाँ पर लगा देता हूँ, रुको यहाँ पे एक लैंड माइन, अगर वो लोग मेरे पर रस मारता है तो लैंड माइन से डैमेज पड़ सकता है, कहाँ है बंदा, तो बस सामने आप बंदा भाई, उसको 3-3 4 बंदे वहीं पे है भाई, वो भाई 1v4 हो रहा था, देखो 1v4 होने वाला, एक बंदा का डैमेज ओपन हो चुका है, चलिए अगर नॉक हो जाए, चलो यहाँ पर एक बंदा नॉक हो चुका है, यहाँ पर दूसरा भी बंदा नॉक हो चुका है फाइनली, तीसरा बंदा उसको भी, चलिए उसको तीसरा बंदा भी नॉक हो गया भाई, जल्दी से मेरे को जाना होगा, 3 बंदे को मैंने नॉक कर दिया, रिवाइव नॉक कर दे भाई, कोई एक ही बंदा तो होगा, मैं आई थिंक लोग यहाँ पर ग्लू वॉल भी लगा दिया, एक बंदा लास्ट वाला बचा था ना, पहले उसको ख़त्म करना नहीं तो सबको रिवाइव कर देगा, फिर इसको ख़त्म करते हैं, और एक अंदर की साइड में नॉक किया था ना लो, 1 मिनट को मेरे को बस दिमाग है भाई, यहाँ पर डैमेज पड़ेगा, एक गया डैमेज, दूसरा नॉक हो गया, फिर से नॉक हो चुका है, अबे यहाँ पर वापस मेरे को ग्लू वॉल तोड़ना होगा, रुको ग्लू वॉल तोड़ना ही पड़ेगा मेरे को AK-47 से, चलिए ग्लू वॉल टूट चुका है, अबे यार
भाई यहीं पे है, रुको रुको चल डैमेज पड़ चुका है उसको, रुको बताते हैं भाई AK-47 का जलवा दिखाते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा भाई। चलिए यहाँ, अबे यार चलिए यहाँ पर डैमेज पड़ा है, इसको ले खत्म कर चुके हैं और लास्ट वाला बंदा दो बचे हैं, एक बंदा फाइनली में हो चुका है, एक बंदा लास्ट बच चुका है और यहाँ पर लास्ट बंदे का डैमेज किया, फाइनली सब बंदे खत्म हो चुका है, चारों बंदे के इजीली हम क्लच कर चुके हैं भाई। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो आई थिंक तो मेरे खास इस पर व्यूज कुछ खास रिस्पॉन्स आने वाला नहीं है, काफ़ी दिनों से मैं तो फ्री फायर का मैं वीडियो अपलोड नहीं किया था भाई, इसके पास काफ़ी मस्त वाला लूट था भाई सच बताएं तो। चलो इन लोगों मेरे पास अच्छा खासा फिर से लूट हो चुका है, फिर से M4 क्लच कर सकते हैं आई थिंक मेरे ख्याल से। यहाँ पर साइलेंसर निकालते हैं, साइलेंसर फालतू चलता है, बेकार चलता है, एकदम घटिया चलता है भाई। चलो यहाँ पर लैंड माइन लगा देते हैं, चलो निकलते हैं अब इधर से, कोई बंदा आई थिंक यहाँ पर तो कोई आने वाला नहीं है भाई, तो चलो इधर से निकलते हैं भाई। चलो कहाँ चले भाई, ओके एक बंदा सामने वहाँ पर देखो, वहाँ पर लूट करा बंदा, चलो यहाँ पर बंदे को डैमेज पड़ा, अबे ग्लू लगा लिया उसने, कोई बात नहीं तो ग्लू तोड़ देंगे इजीली आप। चलिए यहाँ पर AK-47 मतलब बच सकता है क्या कोई, अगर चलो सब सोनिया एक्टिव हो चुका है भाई। भाई सोनिया का डैमेज मतलब डिमिट्री और उसका दोनों स्किल होता है काफ़ी डैमेज कम कर दिया है लोग, तभी भाई बंदे बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं भाई। मैं जितनी भी बंदे को मारा तुम देख सकते हो भाई, आधा से आधे मतलब सब बंदे सोनिया लेकर ही आए थे। चलो कम कर देता हूँ, चलो उसके पास क्या, यहाँ पर भाई 10 किल मैंने कर दिया क्या भाई, 10 किल मैंने कर दिया, दो एक्सपर्ट को मैं मार चुका हूँ और दो अलग अलग बंदे मिले थे, 10 किल हमारा फाइनल यहाँ पर हो चुका है। रुको स्टोर से कुछ खरीद लेते हैं यहाँ पर वेल्डिंग मशीन से, पहले मेरे के यहाँ पर मतलब लेवल 2 का बैग वेस्ट है तो यहाँ पर 3 कर लेते हैं। रुको चलो यहाँ पर कहाँ गया ये बाय कर लेते हैं, हेलमेट तो मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पर। रुको यहाँ पर एक स्काइलर परचेस कर लेते हैं, स्काइलर काफ़ी हेल्पफुल होगा, कई बंदे पर रस मारेंगे तो स्कैलर काम काज करेगा भाई। चलो यहाँ पर देखो सामने सुपर ड्रॉप होता है, कोई लूट कर रहा है बंदा सुपर ड्रॉप को, तो उसको जाकर ख़त्म कर देते हैं, क्या बोलते हो भाई। चलो देख लेते हैं 1v, अबे भाई फायर बटन को थोड़ा छोटा करना होगा आई थिंक मेरे ख्याल से, लेकिन फायर बटन को फिर से छोटा करेंगे तो थोड़ा ड्रैग करने में प्रॉब्लम होता है मेरे को भाई। तुम लोग फायर बटन को 12 मत करना क्योंकि मैं 12 करके मेरे को अच्छा लगता है। चलो देखते हैं वो कहाँ है बंदा, आई थिंक वो लूट उसका ऊपर भाग रहा है बंदा, रुको भाग रहा है, भाग के कहाँ जाएगा भाई। चलो यहाँ बंदे का डांस पड़ा, अभी मर जा मर जा, अबे भाग रहा है, चलो अबे यार मर जा। चलो फाइनली अभी बंदा नॉक हो चुका है और पूरा ख़त्म भी कर देते हैं इसको, चलो ख़त्म हो चुका है इसका, और भी टीममेट हो सकता है आई थिंक मेरे ख्याल से। चलो चलो उसको देखते हैं भाई, उसको भी लूट लेते हैं, उसके पास वो रिवाइव होने वाला होता है ना, वो मिल जाएगा तो काफ़ी मस्त होगा भाई। चलो देखते हैं जो होगा देखेगा जाएगा भाई इसमें आई थिंक। चलो यहाँ पर ड्रैगन वाई था नहीं लेने वाला ड्रैगन भाई, काफ़ी बेकार चलता है यहाँ पर, इसके पास वो था कि नहीं रिवाइव होने वाला भाई, आई थिंक मेरे पास इसके पास रिवाइव होने वाला नहीं था भाई, तो कौन लूट गया भाई, यहाँ पर तो होना चाहिए रिवाइव होने वाला, आई थिंक दूसरा कोई लूट के चला गया था, नहीं नहीं यही था भाई, एक लास्ट वाला बंदा यहीं पर बचा था, हुए इसके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है अभी के समय फिलहाल तो। चलो कोई बात नहीं भाई, अबे डैमेज, अबे पीछे से डैमेज किसने किया बे, अच्छा उसका टीममेट, अबे दो दो वहाँ पर बंदे सामने की तरफ भाई, उसके बोल अबे चलो एक नॉक हो चुका है उसका टीममेट कैसे नहीं है। चलो यहाँ पे एक बंदा नॉक हो चुका है, यहाँ पर स्काइलर मार देते हैं, अब तो इसको ख़त्म कर सकते हैं इजीली। चलो अबे भाग गया लो भाई वो, नहीं नहीं भागा तो नहीं आती मेरे ख्याल से, ग्लू लगा लिया कोई बात नहीं, थोड़ा मेरे को वेट करना होगा लोगों के लिए भाई, वो जोन आएगा तभी वो आएंगे भाई बंदे, वेट करते हैं थोड़ा आएंगे कि नहीं भाई, मेरे को क्या लगता है भाई बंदे आएंगे कि नहीं। ओके चलो यहाँ पर बंदे जंप मार दिए हैं, यहाँ बंदे जा रहा है, चलिए एक बंदा नॉक हो चुका है फाइनली और इसे पूरा ख़त्म करते हैं, उसका टीममेट भी और जा रहा है भाई, चलिए यहाँ पर फाइनली पूरा स्क्वाड ही ख़त्म कर दिया मैंने भाई। चलिए यहाँ पर मेरा 13 किल हो चुका है भाई ऑलरेडी, और यहाँ पर अबे दो ही बंदे लास्ट वाला बच्चे हैं, चलो इजीली उनको ख़त्म कर सकते हैं 1v2 तो इजीली हम कर सकते हैं, इतना गारंटी बोल सकता हूँ भाई। तो इस एक मिनट को भाई, 4 बंदे कैसे हो गए भाई अभी तो, आई थिंक मैंने किसी ने रिवाइव किया है, चलो कोई बात नहीं, अलग अलग स्क्वाड के होते हैं तो काफ़ी सही है, अगर एक स्क्वाड के होते हैं थोड़ा प्रॉब्लम डाल सकते हैं, इन लोग क्लोज से मेरे को कहाँ से फाइट करना होगा, नहीं तो क्लोज से फाइट नहीं करेंगे तो। ओके बंदा एक सामने जा रहा है, रुको ये कहाँ जा रहा है भाई, अलग अलग स्क्वाड का ऐसे ही मेरे ख्याल से, चलो इसको ख़त्म करते हैं उसके बाद 1v2 करेंगे भाई। चलो नहीं नहीं सामने और एक बंदा, रुको सामने की तरफ बंदा है भाई, यहाँ पर बंदा अबे चलिए इसको डैमेज, तो भाई दो दो बंदे, अबे भाई अबे स्नाइपर कोई चला रहा है, अबे एक मिनट को स्कैलर मार रहा है, अबे लो भाई पूरे के पूरे बंदे हैं मेरे पास, 3 ही बंदे मेरे पास झुक गए और ले भाई कितने नूब मेरे को मार के चला गया लो, कोई बात नहीं गाइस मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।